समाचार और हमारे बीच एक विद्यालय है जो जहाँ पे हम उपलब्ध हैं और यहाँ पे सारे बच्चे हैं और इस बार कहीं ना कहीं ये वोटर हैं, नए लिस्ट में हैं। हम इनसे भी जानेंगे आखिर ये किसको पसंद करते हैं। नए वोटर हैं तो आप अच्छा सबसे ज्यादा किसको पसंद करते हैं, किसको चाहते हैं कि ये हमारे मुख्यमंत्री हैं? समाजवादी पार्टी के जो पहले रह भी चुके हैं मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी। तो आखिर अखिलेश यादव को आप सबसे ज्यादा क्यों पसंद करते हैं? इसमें मतलब कई कारण हैं। उन्होंने शिक्षा के मामले में भी ऐसे बहुत से कार्य किए हैं जिसको लेकर मतलब हम लोग प्रभावित हुए हैं। चिकित्सा के मामले में और हमारी मतलब सुरक्षा सड़क परिवहन के मामले में बहुत से ऐसे कार्य किए हैं जिससे हम प्रभावित हुए हैं और हम चाहते हैं कि वह हमारे ज्यादा मतलब ध्यान नहीं देती हूँ। फिर भी मतलब कि योगी जी को ही कहना चाहूंगी, भले ही अखिलेश सरकार, उनकी भी सभी लोगों में अच्छाइयां बुराइयां होती हैं। इस सरकार में मतलब कि कोई हर सरकार आती है, कोई अच्छा काम करती है तो कोई हर सरकार अच्छा बुरा दोनों काम करती है। अखिलेश सरकार भी जैसे कि ये जो स्कॉलरशिप वाली बात आती है उसमें जाति के आधार पे वो कर देते थे, लेकिन इस सरकार में ये है बीजेपी सरकार में कि सभी लोगों को आता है स्कॉलरशिप। इनकी भी अच्छा है। धार्मिकता की बात जहाँ तक की है तो वो तो लोगों के मन के ऊपर उनका एक ये बताएगा। आप जिस विद्यालय में आती हैं वहाँ की सड़कें अच्छी हैं क्या? नहीं, यहाँ की सड़कें अच्छी नहीं है, लेकिन मतलब जैसे मतलब बनते ही जाएंगे वो तो सड़कों का निर्माण आते हैं। यहाँ पे भी जाएंगे तो होता ही रहेगा, रानी की सराय की सड़कों का निर्माण। तो ये बताइए, इस बार आप वोटर हैं तो सबसे ज्यादा किसको आप पसंद करते हैं? योगी जी को। शिक्षा नीति नहीं लागू हुई है और जो हमारे धार्मिक कार्य वो भी किए हैं इतने सालों से, जो 90 दशक से राम मंदिर थे और भी चीजें जो थी उनको बनवाया है। आप सबसे ज्यादा किसको पसंद करते हैं? योगी जी को आप ज्यादा पसंद करते हैं। तो ये बताइएगा कि मतलब आप पसंद क्यों करती हैं उनको सबसे ज्यादा? वो अच्छा काम करते हैं। कहते हैं कि मतलब अखिलेश सरकार शिक्षा नीति मतलब शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे काम कर रहे हैं। इन्होंने तो सब शिक्षा नीति लागू की है। कोरोना की वजह से भले ही मतलब शिक्षा हमारे पीछे हो गई है, लेकिन ये तो शिक्षा के काम पर शिक्षा नीति लागू की है, नई नई शिक्षाएं ला रही है। ये थोड़ा सोच रहे, प्रैक्टिकली सोच रहे हैं। ग्रेजुएशन करने के बाद बहुत से बच्चे हैं आगे नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन ये नई शिक्षा नीति लागू करने का मतलब है कि कुछ हम प्रैक्टिकली करेंगे। जैसे कि अभी फर्स्ट ईयर में भी लागू हुआ है नया शिक्षा नीति लागू हुई है, तो कुछ यहाँ से सीख के जाएंगे हम, कुछ अपना कारोबार कर सकते हैं, सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं। सबसे ज्यादा किसको पसंद करते हैं, किसको चाहते हैं हमारा मुख्यमंत्री हो? अखिलेश यादव। उन्होंने शिक्षा को बहुत बढ़ावा दिया है। हम लोग के फ्यूचर के बारे में सोचते हैं कि आगे बच्चे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। योगी का मानना है कि वो तो धार्मिक प्रक्रिया के चलते हैं और महंगाई इतनी बढ़ा दी है कि बेरोजगार भी बेचारे खा लेते हैं, तो वही बड़ी बात है। जितना कमाते हैं उतना तो उनका खाने पीने में चला जाता है, बचा के क्या रखेंगे, अपने बच्चे के बारे में क्या सोचेंगे। तो इतना सोचते हैं कि हमारे बच्चे कैसे खा पी कर स्वस्थ रहें जी लें, वही बड़ी बात है। योगी ने तो कुछ नहीं। सबसे ज्यादा आप किसको पसंद करते हैं, किसको आप चाहते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री बने? सर आदित्यनाथ योगी जी। वहाँ पर था ना कि गुंडा राज तो एक बड़ी चीज होती है, एक बहुत बड़ा मसला होता है कि गुंडा राज जो होता है इसको खत्म करने के लिए योगी जी का बहुत बड़ा योगदान रहता है। और जहाँ तक बात रही मंदिर, मैं सुन रही हूँ कुछ लोग के मंदिर नहीं बनना चाहिए, क्योंकि एक देश चलाने के लिए धन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और धन कहाँ से आता है? जब देश में कुछ देखने लायक चीज़ें होती हैं, पर्यटन स्थल बढ़ते हैं, तो ऐसे तो धन आएगा तभी धन की वृद्धि होगी। आप अखिलेश जी को पसंद क्यों नहीं करते? क्योंकि मुझे सर, मैंने ऐसा कोई कार्य बड़ा देखा नहीं है कि जिसमें देश का विकास हो, मैंने ऐसा कोई बड़ा कार्य बजाय स्कूल बनाना चाहिए और बड़ी बात की उसमें टीचर अच्छे होने चाहिए, क्योंकि एजुकेशन के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। टीचर का पढ़ने से मुझे लगता है कि ये चीज़ें बहुत अच्छी बात हुई है कि नकल नहीं होता है। नकल नहीं होगा, लोग अपनी मेहनत से पास होंगे, टीचर तभी अच्छे निकल कर आएंगे। क्योंकि जो नकल करके पास होगा वहाँ से, तो मुझे नहीं लगता कि जो खुद पढ़ा नहीं होगा वो दूसरे को पढ़ा भी नहीं सकता। और हमारे महाविद्यालय वोटर हैं तो सबसे ज़्यादा किसको पसंद कर रही हैं? अखिलेश सरकार को, योगी सरकार को क्यों नहीं पसंद कर रही? सरकार भी तो आपको शिक्षा का बढ़ावा दे रहा है।
और तो जो लैपटॉप है अभी देने के लिए कहे हुए हैं। हाँ कहे हैं, वो भी कह रहे हैं, लेकिन तो आपको अगले जी पसंद है।